हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पिछले वीडियो में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, जिसके हम लोग तीन पार्ट्स के वीडियो देख चुके हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने बात किया था ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं TCA, जिसमें उसमें आपका फर्स्ट लाइन ड्रग आता है एमीट्रिप्टिलिन एंड नोट्रिप्टाइलिन। ये दो ड्रग आते हैं जो कि ज़्यादातर यूज किए जाते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में। लेकिन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का एक जो है ड्रॉबैक है कि उसमें जो है साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है और जो है कॉस्टली तो नहीं होता, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से सस्ता होता है, लेकिन उनमें साइड इफेक्ट और विड्रॉल सिम्टम दिखने लगते हैं ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ अल्फा वन रिसेप्टर एंड मस्करेनिक रिसेप्टर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के बारे में। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का जो सेकेंड हमारा टॉपिक है, यहाँ आप देख सकते हैं सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रीन री अपटेक इनहिबिटर, ऐसे ड्रग जो कि सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रीन दोनों को ब्लॉक करते हैं, और दूसरा आपका रहेगा मायो इनहिबिटर्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल करिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको फार्माकोलॉजी या बी फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको फार्माकोलॉजी के नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ट्रू होप फार्मेसी फार्मा फैक्ट्स के नाम से है। वहाँ पे आपको जो है नोट्स PDF में और फोटो के फॉर्मेट में फ्री में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जो हमारे एंटी डिप्रेसेंट का तीसरा मेन क्लासिफिकेशन है, सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रीन री अपटेक इनहिबिटर। ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो सेरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रीन न्यूरोट्रांसमीटर के रीअपटेक को ब्लॉक करते हैं, ऐसे ड्रग मतलब जो दोनों को ब्लॉक करते हो। अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने देखा था ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, जो कि कल का वीडियो था। आज की वीडियो में हम तीसरा क्लासिफिकेशन का कैटेगरी जो है सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर। तो देखिए, आप पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फर्स्ट लाइन के ड्रग हैं। फर्स्ट लाइन के ड्रग कहने के मतलब ऐसे ड्रग जो ज़्यादातर यही ड्रग यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट में एज ए एंटी डिप्रेसेंट। तो देखिए, हम फर्स्ट लाइन के ड्रग में बात करेंगे, आपका इसमें ड्रग है वेनलाफैक्सिन, डेसवेनलाफैक्सिन, ड्यूलोजैक्टिन एंड मिलेसिप्रैन। ये जो ड्रग हैं आपके फर्स्ट लाइन ड्रग हैं, ज़्यादातर यूज किए जाते हैं एज ए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अब बात करते हैं मेन पॉइंट कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन क्या है, कि ये बॉडी में हमारे एक्ट कैसे करते हैं। तो देखिए, ये जस्ट एक्ट करते हैं हमारे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की तरह। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वाला। तो ये सेम ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कि हमारा जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन के प्री साइनेप्टिक बाइंडिंग साइट पे दो ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आपका पहला है सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SERT, एंड सेकंड आपका है NET, जिसको कहते हैं नॉर एपिनेफ्रीन ट्रांसपोर्टर। तो जो ये ड्रग होते हैं सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर, ये ड्रग इन ट्रांसपोर्टर से बाइंड करते हैं इन प्री साइनेप्टिक बाइंडिंग साइट पे, और जब ये ट्रांसपोर्टर से बाइंड करते हैं तो उन ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी को ये डिप्रेस करके ये इनहिबिट करते हैं रीअपटेक को। तो जब ये रीअपटेक को इनहिबिट करेंगे तो रीअपटेक के इनहिबिट होने से जो हमारे पोस्ट साइनेप्टिक पे नॉर मोनोअमीन्स जैसे नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने से जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है हमारे ड्रग का वो ज़्यादा होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो जब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज़्यादा होगा तो नर्व इम्पल्स ज़्यादा जनरेट होंगे, और जब नर्व इम्पल्स ज़्यादा जनरेट होंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट आएगा, डिप्रेशन कम होगा, उलझन जो है, जो ऐसे पेशेंट जिनको डिप्रेशन है उनको जो है उलझन कम होगा और उनको जो है अच्छा फील होगा। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बस सेम है आपका ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की तरह। बस उसमें क्या है, देखिए, अनलाइक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दे डू नॉट हैव एंटी कोलिनर्जिक अल्फा वन ब्लॉकिंग आर एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट। देखिए, ये सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसी तरह होता है, लेकिन इसमें एक फ़ायदा है आपका कि ये जो है अल्फा वन रिसेप्टर को या मस्करेनिक रिसेप्टर को, एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करते, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करते, जिससे जो है इसका साइड इफेक्ट थोड़ा कम आता है। तो ये हो गया आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब हम देख लेते हैं इसके कौन कौन से ड्रग हैं, उनके थोड़े थोड़े क्या फीचर्स हैं।
पहला ड्रग आपका है वेनलाफैक्सिन। वेनलाफैक्सिन देखिए क्या है, फास्टर एक्टिंग ड्रग होता है और अदर ड्रग किसी और अदर ड्रग के कंपोजिशन में जो है कॉम्बिनेशन में ये ड्रग एंटी डिपरसेंट के रूप में दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो टी हाफ होता है प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन होता है, टाइम इंटरवल होता है वो 5 घंटे का होता है, इसीलिए इसको एक दिन में 2 बार दिया जाता है। अब बात करते हैं, देखिए तीसरा पॉइंट, बेटर टॉलरेटेड देन TCA बिकॉज इट डज नॉट ब्लॉक अल्फा वन मस्करेनिक H1 रिसेप्टर। देखिए इसको हम जल्दी से टॉलरेट कर सकते हैं, इसका एडिक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये जो ड्रग होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे अल्फा वन रिसेप्टर से, इस अल्फा वन रिसेप्टर से नहीं बाइंड होते, मस्करेनिक रिसेप्टर और हिस्टामिन रिसेप्टर से नहीं बाइंड होते, इसीलिए इनका जो है थोड़ा सा जो कहते हैं नार्कोटिक प्रॉपर्टी इनमें कम होती है। तीसरा आपका ड्रग है डेसबेनलोफैक्सिन। डेसबेनलोफैक्सिन क्या है, ये है मेटाबोलाइट ऑफ वेनलोफैक्सिन, ये एक मेटाबोलाइट फॉर्म है हमारे वेनलोफैक्सिन का। तीसरा आपका ड्रग है मिलनासिप्रान। तो मिलनासिप्रान क्या है, सिमिलर टू अदर सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन रिअपटेक इनहिबिटर की तरह एक ड्रग है। चौथा आपका है डियोलोजैक्टिन। डियोलोजैक्टिन क्या है, ये सिमिलर होता है वेनलोफैक्सिन की तरह, लेकिन ये क्या होता है, अच्छे से एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में और मेटाबोलाइज हो जाता है बाय माइक्रोसोमल एंजाइम। ये माइक्रोसोमल एंजाइम की तरह ये ड्रग जो है ड्यूलोजैक्टिन जो है मेटाबोलाइज हो जाता है हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम, जो कि है साइटोक्रोम P450। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या है जो है सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन रिअपटेक इनहिबिटर के। देखिए फ्यू साइड इफेक्ट, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये अल्फा वन और जो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर से नहीं बाइंड करते हैं, इसीलिए इनका साइड इफेक्ट कम होगा, लेकिन इनमें जो है कुछ विड्रॉल सिम्टम दिखाई देते हैं जब हम इस ड्रग का यूज करना बंद कर देते हैं। अब ये तो हो गया आपका तीसरा क्लासिफिकेशन की मेन कैटेगरी। अब हम चौथा बात करते हैं जो है मायो इनहिबिटर, इसी को कहते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। देखिए अब पहले आप ये जान लीजिए कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज क्या है। देखिए मोनोअमीन ऑक्सीडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे लीवर से निकलता है और ये सभी ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ड्रग को मेटाबोलाइज कर देता है। तो देखिए एंजाइम व्हिच मेटाबोलाइजेस नॉर एड्रेनलिन 5-HT एंड डोपामिन। देखिए बहुत ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि मेटाबोलाइज कर देते हैं या इनएक्टिवेट कर देते हैं सेरोटोनिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामिन को। देखिए ड्रग व्हिच इनहिबिट द एंजाइम एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ मोनोअमीन्स। देखिए मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर या मायो इनहिबिटर क्या होते हैं, ऐसे ड्रग होते हैं जो क्या करते हैं मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिससे इनका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता और हमारे रिसेप्टर्स पे जो है मोनोअमीन्स का लेवल बढ़ जाता है। ये हो गया, इट एग्जिस्ट इनटू 2 isomers। ये जो है 2 isomers के फॉर्म में पाए जाते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी। तो जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज ये होता है ये सेलेक्टिव होता है फॉर सेरोटोनिन, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर सेरोटोनिन के को बढ़ाने के लिए सेरोटोनिन मोनोअमीन्स या सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर को साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे बढ़ाने के लिए जो मोनोअमीन ऑक्सीडेज ये होता है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स कितने टाइप के होते हैं। तो टाइप में पहला आपका है रिवर्सिबल एंड सेलेक्टिव मायो इनहिबिटर। ये जो ड्रग होते हैं ये रिवर्सिबल होते हैं, और मतलब कहने के बाद रिवर्सिबल क्या कि एक बार ये बाइंड करके जो है मोनोअमीन्स के लेवल को तो बढ़ाएंगे, लेकिन जब हम इन ड्रग का यूज करना बंद कर देंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा इसका एक्शन, फिर से मोनोअमीन ऑक्सीडेज का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है रिवर्सिबल होते हैं और सेलेक्टिव मायो ए इनहिबिटर होते हैं, जो कि सेरोटोनिन या एज ए एंटी डिपरसेंट एज ए एंटी साइकोटिक यूज किए जाते हैं। उसमें आपका है मैक्लोबेमाइड। अब दूसरा आपका ड्रग है मायो बी इनहिबिटर। मायो बी इनहिबिटर में देखिए आता है सेलेजेलिन। ये ड्रग है सेलेजेलिन मायो बी इनहिबिटर ड्रग है, जिसका यूज किया जाता है पार्किंसन डिजीज में, पार्किंसनिज्म में यूज किया जाता है। तीसरा आपका है नॉन सेलेक्टिव एंड इररिवर्सिबल मायो इनहिबिटर। देखिए नॉन सेलेक्टिव क्या होता है कि ये तो ये किसी भी आइसोमर से बाइंड हो सकते हैं, या तो ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए से बाइंड होते हैं या तो ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी से, तो ये किसी से भी बाइंड हो सकते हैं और ये रिवर्सिबल इररिवर्सिबल होते हैं कि अगर एक बार इस ड्रग को हम दे देंगे तो वो जो है परमानेंटली हमेशा के लिए मोनोअमीन्स का लेवल हमारे पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे बढ़ा देगा, दोबारा से इसका एक्शन जो है रिवर्स नहीं होगा, तो इसीलिए इसका नाम है इररिवर्सिबल मायो इनहिबिटर। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट में कि मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर के क्या क्या साइड इफेक्ट हमारे बॉडी में। देखिए ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन कॉज करता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, वेट गेन, वेट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, रेस्टलेसनेस,
उलझन रहना, इंसोम्निया, देखिए इंसोम्निया क्या है, नींद का ना आना, नींद का ना आना। अब नींद इसमें कैसे क्यों नहीं आता, क्योंकि हम एंटी डिप्रेसेंट पढ़ रहे हैं, तो नींद तो आना चाहिए इसमें, लेकिन यहाँ लिखा है साइड इफेक्ट में इंसोम्निया। तो देखिए इंसोम्निया का इफेक्ट इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये जो है CNS को स्टिमुलेट कर देते हैं। अब तीसरा और आपका साइड इफेक्ट है एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट एंड लीवर डिस्फंक्शन। देखिए एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट थोड़ा सा दिखाता है, इसीलिए जो है जैसे एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाने में आपका क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, ब्लड विजन हो जाएगा, ये सब जो है एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट है। लास्ट आपका है लीवर डिस्फंक्शन, लीवर का जो है अच्छे से काम ना करना, ये होता है लीवर डिस्फंक्शन। ये तो हो गया साइड इफेक्ट। अब बात करते हैं विड्रॉल सिम्टम। देखिए विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं कि अगर हम इस ड्रग को लेना बंद कर दें तो हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे इसके छोड़ने की वजह से। आपका आ जाएगा कन्फ्यूजन, जो कि होगा एबनॉर्मल थिंकिंग, एक्साइटमेंट, किसी चीज़ के लिए ज़्यादा उत्साहित होना, एंड इवन साइकोसिस, और जो है साइकोसिस भी हो सकता है। अब बात करते हैं ड्रग इंट्रैक्शंस में कि क्या क्या इसके ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं। तो देखिए ड्रग इंट्रैक्शन में क्या है, मोनो अमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर में एक आपका ड्रग है टायरामीन। टायरामीन क्या करता है, इंट्रैक्ट करता है फूड प्रोडक्ट से। फूड प्रोडक्ट में आपका आ जाएगा चीज़, जैसे आ जाएगा पनीर, बियर, वाइन, शराब आ जाएगा, एंड ईस्ट, खमीर, ये सब जो फूड प्रोडक्ट हैं इनके साथ ये इंट्रैक्ट करता है, और इंट्रैक्ट करके क्या करेगा, सीवियर हाइपोटेंशन कॉज करता है, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर को ये लो कर देता है। इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं चीज रिएक्शन, इट इज़ आल्सो नोन एज अ चीज रिएक्शन, जिसमें क्या होता है कि हमारे फूड प्रोडक्ट से ये इंट्रैक्ट करके टायरामीन, याद कर लीजिएगा ड्रग टायरामीन, जो कि हमारे फूड से बाइंड करके, फूड प्रोडक्ट से बाइंड इंट्रैक्ट करके सीवियर हाइपोटेंशन कॉज करता है, जिससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है, और इसी को कहते हैं चीज रिएक्शन। लास्ट आपका पॉइंट है टायरामीन स्केप मेटाबॉलिज्म एंड डिस्प्लेसेस नॉरएड्रेनालिन लीडिंग टू हाइपोटेंशन। देखिए जो टायरामीन है ये क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है नॉरएड्रेनालिन को, और डिस्प्लेस कर देता है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर से, जिससे क्या होगा हाइपोटेंशन कॉज होता है हमारे अंदर। तो ये आपका पूरा आज ख़त्म होता है एंटी डिप्रेसेंट, जो कि चार पार्ट में इसका वीडियो बना है एंटी डिप्रेसेंट का। ये आपका तीनों इसके पिछले जो तीन पार्ट्स है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एंटी मैनिक्स ड्रग, ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो मेनिया को कम करते हैं। मैंने पहले बताया था कि डिप्रेशन और मेनिया एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, व्यक्ति का सोचना जो है किसी चीज़ में लॉस ऑफ इंटरेस्ट रहना, सुस्तीपन रहना, किसी चीज़ में मन ना लगना। वहीं मेनिया क्या होता है, मैंने बताया था कि किसी चीज़ में ज़्यादा मन लगना, ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाना, किसी चीज़ के लिए ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना। तो ऐसे कौन से ड्रग हैं जो हमारे ओवर कॉन्फिडेंस या एक्साइटमेंट को कम करते हैं, नेक्स्ट इसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसको कहते हैं एंटी मैनिक्स ड्रग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। We'll be right back.